तो हेलो भाइयों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आज फिर से मेरे चैनल मोहित विश्नोई व्लॉग्स पे। एंड आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग एंड एक नया व्लॉग ले गया हूँ भाई। बारिश के अंदर थोड़ा सा भाई कांड हो गया था और आज काफ़ी अच्छी खासी बारिश चल रही है भाई बीकानेर में, जैसा कि आपको पीछे भाई विंडोज़ पे देख के पता लग रहा होगा। लेकिन मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ एक बार भाई, बाहर बारिश अच्छी खासी हो रही है भाई बीकानेर के अंदर। काफ़ी मतलब लगभग आराम से हो गए होंगे, रात के 2 बजे से हो रही है भाई, तो लगभग 8 से 10 घंटे हो चुके हैं लगातार बारिश होते हुए। तो मैं आपको दिखाता हूँ भाई बाहर का कुछ व्यू, कैसा कुछ व्यू आ रहा है, एंड दिखाता हूँ आपको गाड़ी की क्या कांड हो गया। तो भाई ये देख लो भाई, बारिश हो रही है लगातार नॉन स्टॉप भाई, और अच्छा खासा भाई ठंडा टेम्परेचर हो जाएगा भाई अब बीकानेर में। भाई काफ़ी गर्मी पड़ी थी बहुत भयंकर गंदी वाली, लेकिन इस बार बारिश अच्छी खासी हो गई। खेती वालों का भी फायदा है भाई और अपने भी है। तो भाई दिखाता हूँ भाई आपको क्या चीज़ होगी। भाई आपको दिख रहा होगा भाई मेरा जो बम्पर लगा रखा था वो उठा दिया भाई, कहाँ गया। तो भाई बम्पर हटाया नहीं भाई, कल एक्सीडेंट हो गया था भाई, पापा कार लेके गए थे तो उनसे भाई पीछे ऑटो वाला था लोड बॉडी वाला, उसने भाई अंदर ठोक दी लाके। एंड भाई ऐसे कुछ इसकी बिल्ड क्वालिटी अपने को देखने को मिल जाती है स्कॉर्पियन की भाई। ये देख लो भाई आप, थोड़ा सा भाई अंदर गया और एक्सीडेंट हुआ था भाई, 70 से 80 की स्पीड ऑटो वाला अंदर आके ठुका था भाई। बम्पर था तो एक साइड से थोड़ा सा भाई अंदर चला गया था, बाकी ज़्यादा अपने कुछ नहीं हुआ डैमेज भाई। ये लाइट देख लो आप, इसकी वैसे की वैसे ही पड़ी भाई। मेन भाई ये जो क्रोम की पट्टी है, ये जो बम्पर यहाँ से है ये खराब हो गया भाई, बाकी इसके ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ भाई। रियर सेफ्टी गार्ड का कुछ फायदा है, अगर नहीं होता तो भाई शायद ज़्यादा एक्सीडेंट बड़ा हो सकता था, और पीछे वाला गेट लाइट वगैरह पूरा वो खराब कर सकता था बंदा भाई, अपना नक्शा भी गाड़ा था गाड़ी का पूरा। लेकिन भाई ज़्यादा कुछ हुआ नहीं अपने, थोड़े बहुत स्क्रेचेस भाई बम्पर की जैसे यहाँ पे आए हैं। एंड भाई ये थोड़ा टूट गया भाई, लेकिन पार्किंग सेंसर भाई अपने एकदम सेफ बच चुका है। ये भाई थोड़ा सा गेट के अंदर बढ़ेगा, एंड ये देख लो भाई आप ऐसे कुछ स्क्रेचेस इसके यहाँ पे लग चुके हैं भाई। तो भाई बम्पर मैंने एक बार इसलिए खुलवा दिया भाई, क्योंकि भाई अगर कल को फोटो पर डाल दूंगा मैं आपको ऐसे भी एक्सीडेंट दी थी उसकी, कि भाई कैसी उसने बम्पर ने अपनी क्वालिटी दी थी एंड गाड़ी की जो है कैसी क्वालिटी अपने को मिल जाती है। बाकी भाई आपको मैं एक बार बता देता हूँ कि भाई कि हुआ कैसा था भाई। एक ऑटो रिक्शा था भाई अपने जो लोड बॉडी वाले थे अपने 3 टायर वाले, वो भाई लोड बॉडी वाला भाई स्पीड से पीछे से आ रहा था भाई, और उसने आके भाई पीछे से हिट कर दिया पुल के अंदर भाई। गाड़ी ढलान के अंदर भाई जा रही थी उस टाइम भाई एक्सीडेंट हुआ था, और ये देख लो भाई आप कैसा फ्रंट से लुक आ रहा है भाई गाड़ी का, और उसने पीछे से आके भाई गाड़ी के अंदर ठोक दी भाई ज़बरदस्त टिका के भाई एकदम। और फिर भाई बाद में अपने जो लोड बॉडी के जो पीछे आगे बम्पर लगाए हुए होते हैं भाई, वो इसके अंदर सरिये पीछे से फंस चुके थे भाई, जहाँ ये खड्डा सा हो रखा है ना भाई इसके अंदर भाई, वो यहाँ पे फंस चुके थे, उनको बाद में भाई बाहर निकाला था। और लोड बॉडी जो टैक्सी थी भाई सब्जी से पूरी भरी हुई थी, उसने भाई बचाने की कोशिश की थी, शायद स्पीड में था थोड़ा, उसने बचाने की कोशिश की, उधर साइड से भी कार आ गई तो उसने भाई गाड़ी यूज़ किया पूरी पलट गई भाई, और जो सब्जी वगैरह वो गिर गई। लेकिन भाई कोई जन आनी नहीं उसके अंदर, बच गया भाई जो बंदा था एकदम सेफली विदाउट कोई चोट वगैरह के भाई, एकदम बंदा सेफली बच गया भाई। मेन अपने को यही चाहिए था, तो बंदा बच गया भाई, और अपनी गाड़ी के भी ज़्यादा नुकसान थोड़ा बहुत हुआ है भाई, ज़्यादा इतना भी नहीं है। लेकिन भाई बम्पर टूट चुका है अपना रियर वाला, एंड जो टेल गेट है भाई वो भाई ऐसे कुछ इसका डेंट खा चुका है भाई। कंपनी के अंदर मेरे जान पहचान के, तो भाई मैं उनसे थोड़ा पार्ट्स का ऑर्डर लगवा के आया हूँ। बाकी भाई देखते हैं भाई कि क्या कुछ कॉस्ट आती है, एंड कितना टाइम लगता है भाई महिंद्रा के अंदर। अगेन अपने वीडियो डालेंगे ये वाली, कि भाई अपने जो इंश्योरेंस के अंदर देते हैं गाड़ी को, एंड उसके अंदर ये कितना टाइम ले लेते हैं नॉर्मल से भाई काम के अंदर। सिर्फ एक बम्पर चेंज करना है, थोड़ा डिगी का गेट जो अपने बूट बूट वाला डोर है इसका भाई उनको डेंट निकालना है, देखते भाई इसमें कितना टाइम ले लेते हैं लोग। तो भाई ये अपने यहाँ कुछ इतना नुकसान हो चुका है भाई, और अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर डीजल फिल कराते हैं, और चलते हैं पंप पर देखते हैं भाई कितना डीजल इसके अंदर लेते हैं अपन। वीडियो और शॉर्ट्स बनाने के चक्कर में काफ़ी भाई बीक चुका हूँ, और चलते हैं भाई पेट्रोल पंप पे, एंड पेट्रोल वगैरह फिल करा लेते हैं भाई। नया हुआ नया नया हुए बराबर हो गया आपस में, चलते हैं भाई पंप पे। एंड मैं कौन से पंप पे भाई डीजल फिल कराऊंगा इसका भाई, वो भी दिखाऊंगा आपको भाई। बीकानेर के अंदर अगर कोई बंदा होगा तो भाई आप वहाँ से भी एक बार फिल करवा के चेक करना भाई। पहले भाई अच्छी क्वालिटी देता था भाई सारण वाला पंप, मैं सारण वाले से ही फिल करवाता था हमेशा, लेकिन भाई आजकल उन्होंने हद मार दी, इसलिए मैं भाई अब ज़्यादातर भाई जो पंप में जो पेट्रोल जो फिल कराता हूँ भाई, लगभग भाई मेरा अपना रिकमेंड करता हूँ भाई जियो वाला पंप, जो कि भाई एक बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करता है। मैं आपको भी चल के भी दिखाऊंगा कि भाई कैसा कुछ अपने को वहाँ पे एक्सपीरियंस रहता है पंप का, ज़्यादा भीड़ भी नहीं रहती ना कोई ज़्यादा माथा फोड़ी रहती है। तो भाई पेट्रोल पंप पे अपने आ चुके हैं, जियो वाला भाई ये पंप है भाई, जो कि अपने जैसलमेर रोड पर स्थित है, और भाई यहाँ आके आप पेट्रोल या डीजल फिल करवा सकते हो भाई। अच्छी खासी इनकी क्वालिटी है भाई, ट्रक वगैरह आप बाहर देख सकते हो भाई सर्विस लेन में कितने सारे खड़े हैं इधर। बाकी चलते हैं भाई पंप पे, एंड आपको डीजल फिल करा के फिर करते हैं आपसे बात। एंड भाई कब तैयार करवाऊंगा, अभी क्यों नहीं करवाई मैंने, ये भी मैं आपको सारा पूरा बताऊंगा बाद में वीडियो के अंदर। तो देख लो भाइयों इसके अंदर कितना डीजल है अभी, एंड मैं आपको दिखा देता हूँ भाई कि रेंज भाई 148 की शो कर रहा है, तो भाई इसके अंदर कराते हैं फिल अब। तो भाई 3700 का अपन ने डीजल इसमें डलवाया, एंड देखते हैं भाई कितना कुछ आया है।
कट तो इसके अंदर लग चुका था। ये भाई ऑलमोस्ट फुल से थोड़ा सा कम अपने डीजल इसमें रहा, एंड रेंज जो है भाई 686 किलोमीटर की अब हो चुकी है इसमें। वैसे भाई सिटी के अंदर अगर इसको आप ड्राइव करते हो तो भाई बहुत कम माइलेज निकाल के देती है आपको, लेकिन भाई आप जैसा कि अगर हाईवे पर अगर चलाते हो आप तो भाई आपको एक अच्छा खासा आपको माइलेज इसमें मिल सकता है। तो भाई गाड़ी अगर आप कोई ले रहे हो सिटी के हिसाब से स्कॉर्पियो एन को, तो भाई गलती से भी भूल कर भी ऐसे आप लोग गलती मत कर देना, क्योंकि भाई बाद में बहुत पछताओगे आप। बिल्कुल भी भाई अच्छा माइलेज नहीं है भाई, 7-8 का निकाल के देगी आपको खेस के। अगर आप ढंग से इसको पूरा ड्राइव कर रहे हो ना तो भाई आपको 7-8 का निकाल के देगी भाई। भाई हाल फिलहाल में मेरे को जो निकाल के दे रही है भाई 6 का निकाल दे रही है, बाकी मैं नहीं लाया था उस टाइम भाई, मेरे को जो निकाल के दे रही थी अप्रोक्स भाई 5 लीटर पर किलोमीटर का ये मेरे को माइलेज निकाल के दे रही थी। थोड़ा थोड़ा भाई इंक्रीज हुआ है क्योंकि भाई गाड़ी अपने चल चुकी है 4756 किलोमीटर, आज भाई इसके 5000 किलोमीटर्स कंप्लीट हो जाएंगे, एंड 5000 के बाद मैं इसका पूरा एक ओनरशिप रिव्यू शेयर करूंगा आफ्टर 5000 किलोमीटर्स कि भाई कैसा मेरे को परफॉर्मेंस लगी गाड़ी की, एंड भाई कैसा कुछ ये परफॉर्म अपने को करके दे रही है। तो भाई वो अपने सारी चीज़ें इसमें शेयर करेंगे आगे। तो भाई ये देख लो आप ऐसी कुछ भाई इसके अंदर माइलेज वगैरह निकलती, बाकी भाई MID के अंदर अगर शो करें, और भाई अगर आप धीरे चलाओगे ना गाड़ी भाई वाकई में आप खुद हैरान रह जाओगे कि भाई गाड़ी इतना माइलेज आपको दे भी सकती है क्या। ये भाई फ्यूल मैंने इसका ऑटो रीसेट किया भाई, जैसे मैं इसके अंदर फ्यूल फिल कराऊंगा भाई इसका माइलेज है वो ऑटो रीसेट हो जाता है भाई। तो 6th गियर में आप डाल के अगर नॉन स्टॉप कंटिन्यूस अगर आप एक ढंगी स्पीड मेंटेन करके आप चलाते हो भाई बहुत गजब माइलेज देती है, एंड गाड़ी की जो स्पीड है भाई वो भी आप मेंटेन करके रखना तब भाई आप एक अच्छा खासा इससे माइलेज निकाल लोगे। आप कभी बिलीव भी नहीं कर पाओगे भाई कि ये 17-18-19 KMPL तक आपको माइलेज निकाल के दे देगी फर्स्ट सर्विस होने के बाद में स्कॉर्पियो एन। मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगा भाई मैक्सिमम टू मैक्सिमम खींच के भाई 80 से ऊपर एक कदम ऊपर नहीं चढ़ाऊंगा, एंड आपको माइलेज निकाल के दिखाऊंगा भाई, रिकॉर्ड तोड़ के दिखाऊंगा यूट्यूब का आपको कि भाई कितना ये माइलेज आपको निकाल के देती है भाई। रखूंगा नॉन स्टॉप 80 जिस दिन निकालूंगा भाई, और बाकी आप 100-120 अगर क्रूज करके मैंने नहीं लाया था तब मैंने निकाला था भाई, वो भाई मेरे इसने निकाला था 11.5 KMPL का भाई। लेकिन भाई आप अगर ढंग से क्रूज करके इसको आप नॉन स्टॉप अगर आप चला लेते हो भाई तो भाई आपको गाड़ी नो डाउट बहुत गजब माइलेज देगी 80 की स्पीड में। आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे भाई कि इतना बढ़िया स्कॉर्पियो माइलेज दे सकती है। मैंने एक दिन इसकी MID को रीसेट किया था भाई, मैं जब पिछली वाली ट्रिप जयपुर पे गया था तब उस टाइम भाई मेरी जो गाड़ी है वो माइलेज भाई अप्रोक्स मेरे को दिखा रही थी भाई MID के अंदर 22 KMPL का भाई। मैं 80 पर क्रूज करके चला था तब भाई, जो भाई मैं इससे कभी उम्मीद भी नहीं कर सकता कि भाई इतना निकाल के देगी, और निकाल के दे भी नहीं सकती क्योंकि भाई 2150 cc का इंजन भाई इसके अंदर महिंद्रा ने लगा के दिया हुआ है, जो कि भाई 4x4 ट्रांसमिशन के साथ में आता है, और साथ में ही भाई इसके अंदर अपने को अच्छा खासा टॉर्क वगैरह सब कुछ चीज़ें मिल जाती है भाई। इतनी पावर लेने के बाद आप क्या इससे निकालोगे भाई, मारुति गाड़ियाँ माइलेज निकाल देंगे उनकी पावर भाई 100 BHP के पास होती है भाई, ये 173 BHP का भाई इसके अंदर पावर है, और भाई टॉर्क की अगर अपन बात करें तो भाई लगभग 370 Nm के आसपास या 350 Nm के आसपास ऐसे कुछ टॉर्क भाई ये निकाल के अपने को दे देती है भाई। तो भाई यही था अपना वीडियो, अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड बताना कि भाई मैं स्कॉर्पियो से रिलेटेड कौन सी वीडियो बनाऊं। काफ़ी जनों कहना है कि भाई माइलेज से रिलेटेड बनाऊं, तो मेरा विचार है इस बार कि माइलेज से रिलेटेड मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा इस पर। थैंक यू भाई।